हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है टैक्स एंड टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 44 एई की, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के का एक केस है। ट्रांसपोर्टेशन के केस में यदि हम प्रिजम्प्टिव इनकम निकालना चाहें तो कैसे निकालें, तो उसकी बेसिक कुछ कंडीशन है, आज हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम सेक्शन 44 एई में जाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या बेसिक कंडीशन फॉलो करने हैं। सबसे पहले यदि हम 44 एई में जा रहे हैं तो ये मैंडेटरी है कि जो भी पर्सन इंडिविजुअल या फर्म जो भी या एचयूएफ जो भी इसके अंदर इस 44 ए सेक्शन को ऑप्ट करना चाह रहा है, उसके पास पूरे साल में 10 व्हीकल से ज्यादा किसी भी टाइम में ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, वो मतलब 10 व्हीकल ना हो का क्या मतलब है, या तो उसके पास खुद के अपने ना हो, अपने कहलाएंगे, या ओन का क्या मतलब है, ओन का मतलब है या तो खुद के हो या लीज पे लिए हो या हायर करे हो, वो टोटल मिला के 10 व्हीकल पूरे साल में होने चाहिए, 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि 10 व्हीकल से ज्यादा हैं तो 44 ए में नहीं जाएंगे, फिर हमारा नॉर्मल बिजनेस ट्रीट होगा और हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड गेन अपना कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि हमारे पास 10 व्हीकल तक हैं, या इधर हमारे ओन्ड हैं या लीज हैं या हायर्ड हैं, तो हम लोग सेक्शन 44 ए में जा सकते हैं। अब इसको जानने के लिए हमें कैसे जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म्स होती है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर, हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल कौन से होते हैं, हैवी गुड्स व्हीकल वो व्हीकल कहलाते हैं जिनका जो वेट है, जो व्हीकल का वेट है, जो पास होता है, रजिस्टर्ड होता है, जो आरसी पे मेंशन होता है, वो 12 टन से ज्यादा हो। यदि 12 टन या 12 टन से कम है तो वो हमारे हैवी व्हीकल नहीं कहलाते हैं। 12 टन से ऊपर के जितने भी व्हीकल होते हैं वो हैवी गुड्स व्हीकल कहलाते हैं। तो दो हमारे 44 ए में दो तरीके के प्रोविजन वो किए गए हैं कि हैवी गुड्स व्हीकल के केस में तो अलग तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है इनकम की, और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के केस में हमें अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो अब दोस्तों हैवी गुड्स व्हीकल के केस में हम लोग कैसे करेंगे, हैवी गुड्स व्हीकल में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा व्हीकल की जो ग्रोस वेट व्हीकल वेट है वो कितना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो भी जैसे मान लीजिए सपोज हैवी गुड्स व्हीकल मैंने बताया कौन से होंगे, जिसका ग्रोस व्हीकल वेट जो होगा वो 12 टन से ज्यादा होगा। जस्ट सपोज हमारा 13 टन का कोई व्हीकल है तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें 13 टन ध्यान रखना है, अपनी ध्यान रखने की हमारी किस कैपेसिटी का हमारा व्हीकल है। तो पर टन जो भी हमारा है, पर टन 1000 पर मंथ का हमको हमारी इनकम इसके अंदर प्रेजेंटिव इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जस्ट सपोज कोई व्हीकल हमारे पास 10 महीने के लिए रहा, आइदर वो हमारा खुद का ओन था या हमने लीज पे लिया या हमने हायर करा, 10 महीने जस्ट सपोज कोई व्हीकल हमारे पास रहा, कोई हमारा 13 टन का व्हीकल है तो हमारी कितनी इनकम हो गई, 13 टन का व्हीकल है तो पर मंथ उसकी इनकम कितनी होगी, 13,000 10 महीने की कितनी हो गई, 130,000 रुपए की हमारी इस तरीके से इस व्हीकल की इनकम निकल के आएगी। या एक्चुअल इनकम जो भी हमारी हुई, हो सकता है कि 130,000 से हमारे ज्यादा इस ट्रक पे इस वाले व्हीकल पे हमें इनकम हुई हो, जस्ट सपोज हमें 1.5 लाख की इनकम होती है, तो 130,000 और 1.5 लाख में से जो भी हायर होगा फिर वो इनकम कहलाएगी। तो यदि हमारी 130,000 से कम है, जस्ट सपोज हमारी 125,000 रुपए होती है, तो हम 125,000 हमारी इनकम नहीं कहलाएगी, हमारी 130,000 रुपए की इनकम हमें लेनी पड़ेगी सेक्शन 44 ए में यदि हम लोग जाते हैं तो। अब हम बात करते हैं अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल की। यदि अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है मतलब क्या है, उसका जो ग्रोस व्हीकल वेट है वो 12 टन से कम है या 12 टन है, तो उसके अंदर हमें कोई कैपेसिटी का ध्यान नहीं रखना है उसकी, केवल हमें ये ध्यान रखना है कि जितने मंथ में हमारे पास वो व्हीकल रहा हो ड्यूरिंग द ईयर, उसको मल्टीप्लाई हमें करना है 7500 रुपए पर मंथ में। मतलब जो लाइट गुड्स व्हीकल, यदि हम इसको वर्ड यूज करें, लाइट गुड्स व्हीकल के केस में हमें कैपेसिटी कुछ भी ध्यान में नहीं रखनी है, हमें 7500 रुपए पर मंथ की इनकम हमें दिखानी है अपनी आईटीआर के अंदर, जितने महीने भी वो हमें हमारे पास व्हीकल रहा है। जस्ट सपोज कोई भी व्हीकल, जस्ट हम फिर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई व्हीकल 10 महीने हमारे पास रहा, तो 7500 रुपए महीना से हमें 75,000 रुपए इनकम दिखानी है। अब फिर इसमें भी वही केस है कि यदि जस्ट सपोज हमें 75,000 रुपए से ज्यादा इनकम उसमें हुई है व्हीकल में, तो हम लोग हायर साइड में जाएंगे। लेकिन यदि हमें 75,000 से कम इनकम उस ट्रक उस व्हीकल से हुई है तो हम 75,000 रुपए में जाएंगे। तो मतलब दोनों में से जो अमाउंट हायर होगा वो हमें लेना है। अब इसके अंदर यदि हमने 44 ए में गए तो हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या हमें लॉस होने वाला है, तो इसके अंदर यदि हम प्रेजेंटिव इनकम में जाते हैं, सेक्शन 44 ए में जाते हैं, तो एक बार जो हमने इनकम कैलकुलेट कर ली उसके बाद उस
इनकम में से हम कोई रेंट की रिबेट लेना चाहें, कोई हमने टैक्स पे किया हो, रिपेयर मेंटेनेंस में कोई कुछ दिया हो, व्हीकल का जो रिपेयर मेंटेनेंस हमने कराया होगा, कुछ इंश्योरेंस हमने जमा लिया, हमने कोई व्हीकल खड़ा करने के लिए कोई स्पेस ले रखा है उसका कोई हमने इंश्योरेंस कराया हो, या हमने व्हीकल का कोई इंश्योरेंस करवा रखा हो, या हमने फर्नीचर का कोई इंश्योरेंस करवा रखा हो, या रिपेयर मेंटेनेंस हो फर्नीचर की, व्हीकल की डेप्रिसिएशन हो गई, इन सब का फर्दर कोई भी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। हम ये मान के हमारी ये इनकम मानी जाएगी कि इसके अंदर से ऑलरेडी हम लोग डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं। डिडक्शन कौन सी अलाउ हो सकती है? डिडक्शन अलाउ हो सकती है केवल फर्म के केस में। यदि हमारी फर्म का केस है, यदि हमारी फर्म है और फर्म के केस में हम लोग सेक्शन 44A के अंदर जा रहे हैं, तो यदि हम पार्टनर्स को जो भी सैलरी या कैपिटल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सैलरी मींस पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसको रेमुनेशन भी बोलते हैं, तो जो भी हम सैलरी मतलब उसको रेमुनेशन बोले या कैपिटल इंटरेस्ट जो भी हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं वो हमें अलाउ होगा। लेकिन दोस्तों इसमें यह ध्यान रखना है, जो भी सैलरी या रेमुनेशन किसको अलाउ होता है वो वर्किंग पार्टनर को होता है और वो पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऐसे ही कैपिटल इंटरेस्ट भी हमारी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, तभी हमको मिल सकता है। दोस्तों हमें सेक्शन 40B का भी ध्यान रखना है कि जो रेमुनेशन है वो क्लियरली वो क्लोज हमारी पार्टनरशिप डीड में है या नहीं है। दोस्तों इसके ऊपर हम एक कभी फिर एक डिटेल वीडियो लेके आपके सामने आएंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज मेंशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं मेंशन होनी चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये हमें केवल फर्म के केस में सैलरी और कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर के केस में अलाउ हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।